पुराने जमाने में शरीर मात्र एक भोग्य वस्तु नहीं था, वो भी नैतिक मूल्यों पर आधारित था, जैसे भोजन जीवन के लिए है न कि जीवन भोजन के लिए। हम में से बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं कि साधु संतों के कहने से हम कितने सालों से राम 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 लटे जा रहे हैं, आखिर कब तक इसे जपते रहें, इससे कोई फायदा भी है या नहीं, और हमसे तो उतनी एकाग्रता के साथ जप होता भी नहीं। जहां तक फायदे की बात है तो हर कर्म का फल होता है, फिर इसका क्यों नहीं होगा। गलती से भी बिजली के बटन पर हाथ लग जाए तो प्रकाश होगा ही, रसगुल्ले का नाम ना पता हो तब भी मुंह में रखते ही मिठास से मुंह भर जाएगा या नहीं। मंत्र को कैसे भी जपो, फल तो मिलेगा ही, लेकिन फिर भी कोशिश होनी चाहिए कि भक्ति और एकाग्रता के साथ किया जाए। एक बार इसमें रस आ गया तो साधक नहाते धोते खाना बनाते ऑफिस जाते और सैर करते मंत्र जपने लगेगा। लोभ की वृत्ति का यूं रूपांतरण हो जाता है। बीमारी में बुढ़ापे में जब कुछ और न बन पड़े तो जप एक बहुत बड़ा संबल है, ये तभी समझ में आता है। बचपन में अम्मा भी हर कदम उठाते रखते समय अपना मंत्र जपा करती थीं। ऐसे में यदि उनसे कभी चूक हो जाती तो अम्मा कुछ कदम वापस आती, मंत्र जपती और फिर आगे बढ़ती थी। ऐसे महान आदर्शों के निजी अनुभव अवश्य बहुत कुछ कहते हैं। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, വെയിലും മഴയും പോലെ രാത്രിയും പകലും പോലെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, പിന്നെ ദേഷ്യവും ദുഃഖവും അമർഷവും ഒക്കെ നമുക്ക് വരാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ മൗതയാണല്ലോ അതിന് കാരണം। മഹാഭാരത് ഓർ രാമായണ ജൈസെ പാത്ര ഓർ കഥായേ हमें आज और भावी युगों में भी देखने को मिलेंगे, ये परम सत्य है। जहां देखो यही सब हमें दिखाई दे रहा है, वही सब लोगों के स्वभाव में प्रतिबिंबित हो रहा है। उनका सामना करने का तरीका वहां बताया गया है, कैसे उनका सामना करना, उनसे ऊपर उठकर कैसे समचित्तता के साथ आगे बढ़ना। इन महात्माओं की कहानियां कभी अप्रासंगिक नहीं होती, सांसारिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से। कह सकते हैं कुमार संभवम और शाकुंतलम में जैसा श्रृंगार रस का चित्रण है, वैसा पाश्चात्य साहित्य में भी देखने को नहीं मिलता। इतना श्रृंगार रस का चित्रण है कुमार संभवम में।
लेकिन वो भी नैतिक मूल्यों पर आधारित था। शरीर मात्र एक भोग्य वस्तु नहीं था, जैसे भोजन जीवन के लिए है न कि जीवन भोजन के लिए। मूल्यों का महत्व था। पुराने जमाने में दुकानदार ग्राहक के थैले में अनाज बांधते वक्त थोड़ा और अनाज ऊपर से डाल देते थे, नाप से थोड़ा अतिरिक्त। अम्मा की माँ भी ऐसा करती थी, पहले बर्तन में थोड़ा अतिरिक्त डालकर फिर नाप के अनुसार डालती। आज उल्टा हो रहा है। हम सोचते हैं चाय में इतनी ही चाय पत्ती, इतना दूध, इतनी चीनी डालूं, ऐसे बचाने की कोशिश करते हैं। पहले भी बिजनेस करते थे, लेकिन वो आधारित होता था मूल्यों पर। आज वो मूल्य नहीं रहे। लोग एक दूसरे का वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा चलन हो गया है परस्पर उपयोग करने का। आपसी प्रेम करीब करीब खत्म हो गया है। इच्छा होगी तो दुख आएगा, बारिश और धूप की तरह, रात और दिन की तरह। मुश्किलें आएंगी ही। व्यक्ति में क्रोध, दुख और घृणा पैदा हो सकते हैं, और इस सब की जड़ है मात्र मोह। जैसे हम फूल के खिलने का आनंद लेते हैं, वैसे ही इसके मुरझाने को भी स्वीकारें। सोचें कि प्रकृति का यही नियम है। ऐसा सोचकर स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई विकल्प नहीं है। साधक को ऐसा आध्यात्मिक भाव विकसित करना चाहिए। मान लो यदि हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी। मुनाफा होने पर लोग फूले नहीं समाते, नुकसान होने पर जहाज की तरह डूब जाते हैं। ये ध्यान में रखें कि मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी। मुनाफे को हम स्वीकार कर लेते हैं, पर नुकसान होने पर आत्महत्या। ऐसी प्रतिक्रिया दुख का निर्माण करती है। हमारा मन ही इन सब का कारण है। हमारा जीवन औरों के शब्दों पर आश्रित है। अगर वो तारीफ करे तो हम फूले नहीं समाते, और कुछ भला बुरा कहे तो हम नाराज और दुखी हो जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अपने मन के साथ कैसे पेश आए। अक्सर कछुआ अपना सिर बाहर निकालता है खाने के लिए, पर खतरा भांपते ही सिर अंदर कर अचल बैठ जाता है। इसी तरह जब कोई समस्या आए, हमें अंतर्मुख होकर अपनी सीमितता को समझना चाहिए। इसमें हमारी भी सुरक्षा है और दूसरों की भी। अपने में ऐसा भाव जगाएं। जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है वे साक्षी रह सकते हैं। साक्षी होना यानी वस्तुओं और व्यक्तियों को उनके स्वभाव अनुसार देखना। वस्तु में नहीं है आनंद, ये जान लेना चाहिए। एक आदमी सिगरेट पीता है और आहा करके मजा लेता है, जबकि दूसरा आदमी नाक सिकोड़ लेता है। एक आदमी को इसमें मजा आता है, जबकि दूसरा सांस रोककर भाग खड़ा होता है। इसमें आनंद की कल्पना क्या उचित है? सिगरेट पीना सख्त मना है, एयरपोर्ट पर लिखा रहता है। पहले प्लेन में धूम्रपान के लिए अलग जगह बनी होती थी, लेकिन अब धूम्रपान निषेध है। कई लोग धूम्रपान के विरुद्ध होते हैं। इससे स्पष्ट है कि जो मन को भाए वो कर्म सुखद लगता है। मन ही सुख और दुख दोनों का कारण है। मन के स्वभाव को समझ लिया, फिर उससे हटकर साक्षी भाव में रहना मानो पड़ोस के घर की घटना को देख रहे हो, जिससे हमारा मोह ना हो। उसके घर में घटती घटना को जैसे हम देखते हैं, वैसे ही अपने जीवन की घटनाओं को देखना, ये है साक्षी भाव। शास्त्रों का अध्ययन साक्षी भाव में रहने में सहायक हो सकता है। मान लो कोई सुबह के समय अखबार पढ़ता है, पता चला कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई चिंता नहीं क्योंकि अपने बच्चे तो बाहर गए नहीं, या कहीं भूकंप आ गया तो वो आराम से पढ़कर छोड़ देता है, क्योंकि उसके बच्चे या संबंधी वहां नहीं रहते। लेकिन उसके संबंधी वहां रहते होते तो वो डर से थर थर कांप उठता। मोह ही इस सब की जड़ है। अम्मा ये नहीं कहते कि हम दूसरों की समस्याओं को दूर से देखकर उपेक्षा कर दें। हम में करुणा का भाव होना चाहिए। एक अंधे व्यक्ति पर तरस खाने से उसकी मदद तो नहीं होगी, उसे प्रकाश नहीं मिलेगा।
हमें उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। हम कुछ दे ना भी सकें, तो राह दिखाना भी मार्गदर्शन ही होगा। अंधे व्यक्ति की सड़क पार करने में मदद करना, ऐसा करुणा भाव हम में होना चाहिए। Oh,
यूरोप का प्रमुख आर्थिक एवं तकनीकी प्रतिरूप जर्मनी एक सुरम्य स्थान है। अपने पहाड़ों और वादियों, जंगलों और नदियों और उतने ही मोहक रोमन गॉथिक और बरोक शिल्पकला के लिए जाना माना है। फिर एक बार अम्मा का जर्मनी के हुफहेरनबर्ग आश्रम में आना मानो वहां के आश्रमवासियों का सपना सच होने जा रहा था। हुफहेरनबर्ग में अम्मा के बच्चे धीरज के साथ उनकी राह देख रहे थे। सच कहें तो वे लोग अपनी प्यारी अम्मा के आने के इंतजार में पिछले कुछ दिनों से शायद ही सोए थे। हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी, जय जय हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी। जर्मन शहरों के मेयरों ने माल्यार्पण कर अम्मा का स्वागत सत्कार किया। ब्रॉमबैक के श्री कैडो ने अपने उत्साहपूर्ण स्वागत अभिभाषण में लोकोपकारी क्षेत्र में अम्मा को विश्व में सबसे अग्रणी बताया। हर्षोल्लास के उन क्षणों में श्री कैडो ने कहा कि यह भेंट बहुत विशेष एवं अतुल्य है। धर्म कार्यों, आपदा राहत कार्यों और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, इस प्रकार के कार्य अम्मा की व्यापक करुणा को दर्शाते हैं। तत्पश्चात अम्मा ने हॉल में उपस्थित सभी लोगों का ध्यान और आत्मपूजा में मार्गदर्शन किया। अम्मा दर्शन देने लगी तो हजारों की संख्या में जर्मन लोग उनका वात्सल्य स्पर्श पाने के लिए कतार में खड़े हो गए। जब अम्मा एक एक करके उन सबको गले लगाती हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जीवनदायिनी अम्मा के सानिध्य में जीवन पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। भगवान को एक प्यारी सी मां के रूप में पाकर जो अपने जीवन को सारे जग को अर्पण कर रही हैं, भक्तजन श्रद्धा एवं भक्तिभाव से भर जाते हैं। अम्मा जर्मनी से निकलने लगी तो सबके चेहरों पर स्नेह भरी मुस्कान थी। ये सब लोग अम्मा के यहां आने के लिए हृदय से उनके आभारी हैं। नंदति नंदति नंदति।